एस्टमरिज्म की, स्पेशली स्ट्रक्चरल एस्टमरिज्म, ठीक है, और बाकी रिमेनिंग जो इसका दूसरा टाइप है वो है स्टीरियो एस्टमरिज्म। आज वो हम पढ़ लेते हैं, अगर टाइम मिलेगा तो फिर हम आज भी रिवाइज कर लेंगे इसके, मतलब ये जो पढ़ी थी कुछ एग्जांपल या कुछ बुक में एग्जांपल जो है एक्सरसाइज में है ना, वो भी हम कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस तो आपको पता है वहीं से आएंगे, क्वेश्चंस कोई अलग से नहीं आएगा, ऐसा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं आएगा एस्टमरिज्म का जिसकी वजह से आप परेशान हो, वही है जो बुक की कोई एग्जांपल उठाकर दे देंगे। वो लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था, जो जितने भी एग्जांपल वगैरह थी वो बुक की थी। तो आज हम पढ़ते हैं एस्टमरिज्म की जो टाइप है, दूसरी टाइप वो है स्टीरियो एस्टमरिज्म। देखो स्टीरियो एस्टमरिज्म, द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी क्या है इनका सेम है। वैसे स्ट्रक्चरल एस्टमरिज्म में क्या पढ़ा था आपने, क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम था, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या था, डिफरेंट था। मगर ये जो स्टीरियो एस्टमरिज्म है इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है, बट डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स या ग्रुप्स इन स्पेस, मतलब स्पेस में जो ओरिएंटेशन होगी या अरेंजमेंट होगी एटम की वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। स्पेस के अंदर जो स्पेशल अरेंजमेंट होगी वो चेंज होगी, या हम कहते हैं डिफरेंट थ्री डी कॉन्फिग्रेशन जो थ्री डायमेंशनल कॉन्फिग्रेशन होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। किसकी, स्टीरियो एस्टमरिज्म की। अच्छा इसकी टाइप्स दो हैं, एक ऑप्टिकल एस्टमरिज्म है, अच्छा दूसरा होता है ज्योमेट्रिकल एस्टमरिज्म। एक ऑप्टिकल, दूसरा क्या होता है ज्योमेट्रिकल एस्टमरिज्म। तो पहले पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल एस्टमरिज्म को। ठीक है, अब देखो ज्योमेट्रिकल जो एस्टमरिज्म है ये अराइज क्यों होता है, पहली बात ये है, ये ज्योमेट्रिकल एस्टमरिज्म होगा किसके अंदर। देखो ज्योमेट्रिकल एस्टमरिज्म एक होगा अल्कीन के अंदर और दूसरा साइक्लोअल्कीन के अंदर, ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन रोटेशन, क्योंकि उनके अंदर फ्री रोटेशन नहीं होती है। देखो अल्कीन के अंदर क्योंकि डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड जो होता है वो उसमें रोटेशन नहीं होती है, डबल बॉन्ड रोटेशन को क्या कर देता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है, रोक देता है। अच्छा दूसरा साइक्लो अल्केन, उनमें रिंग होती है, रिंग की वजह से रोटेशन नहीं होती, अगर रोटेशन होगी तो रिंग को तोड़ना पड़ेगा, रिंग को ब्रेक करना पड़ेगा। और अल्कीन में
क्योंकि डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होता है, तो रोटेशन के लिए पाई बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, अदरवाइज रोटेशन नहीं होगी। अल्केन के अंदर रोटेशन होती है, इसलिए अल्केन के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल है किसके अंदर, अल्कीन के अंदर और दूसरा साइक्लो अल्केन के अंदर। मगर ऐसी बात नहीं है कि सारे अल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करें, ऐसा भी तो नहीं है ना, क्योंकि हमने आइसोमेरिज्म पहले भी पढ़ा था, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में भी आप लोगों ने पढ़ा था। मगर उसकी कंडीशंस होंगी कि कौन सा अल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, कौन सा अल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। साइक्लो अल्केन में भी कंडीशन होगी, लाजिम बात है, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, दूसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो ऐसा बात नहीं है कि आपके जहन में बैठ जाए कि भाई साइक्लो अल्केन तो बस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर लेगा, ऐसी बात नहीं है। उसकी भी क्या होंगी, कंडीशंस होंगी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म अराइज, ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन, इन रोटेशन, अबाउट डबल बॉन्ड इन अल्कीन, एंड साइक्लो अल्केन, ठीक है। देखो ये जो आइसोमेरिज्म अराइज होता है, ये आता है रिस्ट्रिक्शन रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड इन अल्कीन एंड सिंगल बॉन्ड इन साइक्लो अल्केन। साइक्लो अल्केन में तो सिंगल बॉन्ड है, मगर इसके अंदर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी। अच्छा अब आते हैं, पहले तो ये है कि कौन सा अल्कीन है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अच्छा देखो, इथीन, ये इथीन है, इसमें देखो ये जो कार्बन है उसमें दोनों एटम कार्बन के ऊपर, जो डबल बॉन्ड कार्बन उसके ऊपर दोनों एटम क्या है, सेम है, ये शो नहीं करेगा। अगर कार्बन के एटम के ऊपर दोनों एटम क्या है, आइडेंटिकल है, सेम है, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इसका मतलब है इथीन शो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कार्बन के जो ऊपर एटम है दोनों क्या है, एक जैसे हैं। अब ये इसमें रोटेशन, सॉरी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। अब आते हैं प्रोपीन, ये देखो प्रोपीन है, अच्छा तो प्रोपीन में ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, इस पर एक मिथाइल ग्रुप है एक हाइड्रोजन, ये तो ठीक है, दोनों एटम क्या है, दोनों एटम डिफरेंट है इसके ऊपर, मगर इस पर दोनों एटम क्या है, आइडेंटिकल, ये नहीं शो करेगा। मतलब वन प्रोपीन नहीं शो करेगा, टू प्रोपीन बनेगा नहीं। अच्छा अब आते हैं हम, यहां थोड़ी जगह पड़ी है तो यहां एक और एग्जांपल मैं लेके देता हूं, वो है वन ब्यूटीन, यह है वन ब्यूटीन। अब इसके ऊपर देखो, इस कार्बन के ऊपर एक लगा हुआ इथाइल ग्रुप, एक लगी हुई हाइड्रोजन, ये तो ठीक है, कंडीशन क्या है, डिफरेंट एटम होने चाहिए कार्बन के ऊपर, डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर एटम क्या होने चाहिए, डिफरेंट, डिफरेंट है। मगर यहां पे देखो क्या है,
तो ये नहीं शो करेगा जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ये एग्जांपल देने के मकसद ये है कि हो सकता है आपके जहन में हो तो आपने डेफिनेशन पढ़ी है कि अल्किन जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है, तो इसका मतलब है ना तो इथीन शो करेगा, ना प्रोपीन शो करेगा, वन प्रोपीन ना वन ब्यूटीन। अब आते हैं टू ब्यूटीन पे। टू ब्यूटीन शो करेगा जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। टू ब्यूटीन जो है वो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। देखो टू ब्यूटीन एक ये है, ये टू ब्यूटीन है। अच्छा अब इसमें देखो पहली कंडीशन जो मैंने आपको कहा था कि जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करने के लिए कंडीशन पहली क्या है कि जहां डबल बॉन्ड कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर एटम जो लगे हों या ग्रुप लगे हों वो डिफरेंट होने चाहिए। तो इसमें देखो यहां पे मीथा लगा हुआ, यहां पे हाइड्रोजन लगी हुई, डिफरेंट है, और यहां पे मीथाइल है और यहां पे हाइड्रोजन, तो ये भी गए डिफरेंट है। अच्छा अब देखो दोनों मिथाइल सेम साइड पर हैं, दो मिथाइल क्या हैं सेम साइड पर हैं और दोनों हाइड्रोजन भी गए, तो इस आइसोमर्स को हम क्या कहेंगे, सीज कहते हैं। देखो के जो मिथाइल ग्रुप हैं वो दोनों सेम साइड पर हैं और हाइड्रोजन दोनों क्या हैं सेम साइड पर हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, सीज कहते हैं। तो ये होगा सीज। टू ब्यूटीन। अच्छा दूसरा होता है ट्रांस। जहां पे मिथाइल जो ग्रुप लगेंगे वो अपोज लगेंगे, ट्रांस। ट्रांस का मतलब क्या होता है, अपोज जो मिथाइल ग्रुप होंगे वो, जो सेम ग्रुप होंगे वो अपोज साइड पर लगे होंगे, सेम ग्रुप है मगर अपोज साइड पर लगे हुए और हाइड्रोजन भी अपोज साइड पर है। यहां पे देखो जो सेम ग्रुप थे वो क्या है, सेम साइड पर हैं, सिमिलर साइड पर हैं, और यहां पे जो है जो सेम ग्रुप है वो अपोज साइड पर हैं, ठीक है। अच्छा एक्चुअली डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड इनकी पोजीशन को क्या कर देता है, लॉक कर देता है। इसका मतलब है ये यहां से रोटेट करके यहां पर नहीं जाएगा, ये जो मिथाइल ग्रुप है यहां पर लॉक हो गया समझे, क्योंकि डबल बॉन्ड इनकी पोजीशन को क्या कर देते हैं, लॉक कर देता है। अब इनमें रोटेशन पॉसिबल नहीं है, अब ये रोटेट नहीं कर पाएंगे। रोटेशन के लिए पाई बॉन्ड को प्रे करना पड़ेगा, रोटेशन के लिए पाई बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा दूसरी बात मैं बता दूं, जो सिज होता है सिज आइसोमर, ठीक है, और ट्रांस, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट चेंज होंगे। देखो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज होंगी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, चेंज होंगे। अच्छा जनरली देखा गया है, जनरली जो ट्रांस होता है, ठीक है, ट्रांस ट्रांस टू ब्यूटीन इज मोर स्टेबल, देन सिज टू ब्यूटीन। स्टेबिलिटी ट्रांस की क्या होगी, ज्यादा होती है। जो ट्रांस टू ब्यूटीन है वो मोर स्टेबल है किससे,
अच्छा ट्रांसट्रूब्यूटीन इज मोर सिमेट्रिकल ज्यादा सिमेट्रिकल है इसलिए जब इनको हम क्या करते हैं इनकी क्लोज पैकिंग होती है ना क्लोज पैकिंग होगी तो ये क्लोजली पैक हो जाते हैं क्लोज पैक हो जाते हैं जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो ट्रांस टू ब्यूटीन जो है वो मोर सिमेट्रिकल है मोर क्लोज पैकिंग होगी इनकी मोर क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल जब ये क्रिस्टल बनाएंगे तब क्या बनाएंगे क्रिस्टल बनाएंगे सो मोर मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा ज्यादा होगा अच्छा सीज टू ब्यूटीन जो सीज टू ब्यूटीन है हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा ट्रांस का ज्यादा होगा जबकि बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो सीज का ज्यादा होगा मगर ये प्रॉपर्टीज को जरूरी नहीं याद करें आप लोग इसकी जरूरत नहीं है ये समझे एक्स्ट्रा हो जाती है नीड नहीं है इनको याद करने के हवाले से या डायपोल मूवमेंट के हवाले से भी कहा जाता है कि डायपोल जो मूवमेंट होती है वो भी सीज की क्या होती है ज्यादा होती है ठीक है मतलब ये प्रॉपर्टीज है जनरल प्रॉपर्टीज हैं अच्छा तो ये हो गया ये ट्रांस हो गया ये सीज हो गया ठीक है तो इसके दो फॉर्म हो गए सीज और दूसरा क्या है ट्रांस अच्छा अब आते हैं 1.2 डाइक्लोरोब्यूटीन 1.2 डाइक्लोरोब्यूटीन ये बुक में भी एग्जांपल है ये मैं बुक की एग्जांपल दे रहा हूं 1.2 डाइक्लोरोब्यूटीन सॉरी 1.2 डाइक्लोरोब्यूटीन 1.2 डाइक्लोरोइथीन इथीन अब देखो इथीन में डबल बॉन्ड है अच्छा ये 1 पे क्लोरीन ये 2 पे क्लोरीन ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो ये कौन सा फॉर्म हो जाता है आपको पढ़ा चुका हूं पहली कंडीशन देखो पहली कंडीशन है कि ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा पूछा जाएगा बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि वो कंपाउंड ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा तो उसकी कंडीशन ये है कि डबल बॉन्ड कार्बन जो है जिन कार्बन पे डबल बॉन्ड है उनमें देखो एटम जो लगे हैं वो डिफरेंट है या नहीं है डिफरेंट है यहां पे क्या लगा हुआ है यहां पे डिफरेंट है यहां पे क्या लगा हुआ है यहां पे क्या लगा हुआ है हाइड्रोजन डिफरेंट एटम है अच्छा फिर देखो क्लोरीन की सेम साइड है क्लोरीन की क्या है क्लोरीन सेम साइड पर हाइड्रोजन क्या है सेम साइड पर तो इसका मतलब है ये आइसोमेरिज्म शो करेगा तो ये होगा सीज 1.2 डाइक्लोरोइथीन और ट्रांस क्या होगा ट्रांस का मतलब है अपोज यहां पे क्लोरीन लगा हुआ है तो यहां पे क्लोरीन लग जाएगा यहां पे हाइड्रोजन लगी हुई है यहां पे हाइड्रोजन लग जाएगी तो ये क्या हो जाएगा ट्रांस 1.2 डाइक्लोरोइथीन और आपसे क्वेश्चन ये दिया जाएगा कि ये जो पेयर है वो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म है या नहीं है यही कंसेप्ट पूछेंगे ना आपसे कि ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो कर रहा है या नहीं कर रहा है बस बाकी तो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म के बारे में हमारे बुक में इतनी कोई खास बात है ही नहीं
कोई गिवन ही नहीं है, तो इसका मतलब है फिर आपसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा या डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, उसके बारे में जो क्वेश्चन होगा वही आपसे पूछा जाएगा। अच्छा, दूसरा होता है मैलिक एसिड और फ्यूमरिक एसिड, ये हमारी बुक में कहीं ना कहीं मौजूद है। फेडलर की बुक में तो ये एग्जाम्पल के तौर पर दिए गए हैं, मगर हमारी बुक में भी अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें भी आएगा मैलिक एसिड, दूसरा होता है फ्यूमरिक एसिड। देखो, एक है मैलिक एसिड, दूसरा क्या है फ्यूमरिक एसिड। ये देखो, कार्बन कार्बन क्या है डबल बॉन्ड, यहां पे लगा हुआ सी डब्ल्यू एच ग्रुप, यहां पे लगा हुआ सी डब्ल्यू एच ग्रुप, यहां पे लगी हुई हाइड्रोजन, यहां पे लगी हुई हाइड्रोजन, तो इसको क्या कहेंगे हम, सिस फॉर्म है ये, ट्रांस है ये बेटा, ये सिस फॉर्म है, तो इसको कहते हैं मैलिक एसिड। मैलिक एसिड है ये, या इसको कह सकते हैं सिज। इसके अगर नंबरिंग कर दें इसकी हम, अगर इसकी हम नंबरिंग कर दें तो 1, 2, 3 और ये क्या है 4, सिज ब्यूट 2-ईन, 2 पर क्या है इन है, 1, 4 डायओएक एसिड, सिज ब्यूट 2-ईन, ब्यूट है 2 पर इन है, 1, 4 डायओएक एसिड, मगर किस फॉर्म में है। तो अगर क्वेश्चन इस तरह आ जाता है ब्यूट 2-ईन 1, 4 डायओएक एसिड सिज है, तो समझे मैलिक एसिड है ये। अच्छा, फ्यूमरिक एसिड, तो ये कौन सी फॉर्म होगी, ट्रांस होगी, अपोज्ड, अपोज्ड है, सी डब्ल्यू एच और सी डब्ल्यू एच क्या है अपोज्ड है, एच और एच अपोज्ड है, तो इसको क्या कहते हैं ट्रांस। ह्यूमरिक एसिड, यह इसको कह सकते हैं ट्रांस। अच्छा, अब नंबरिंग करोगे तो 1, 2, 3 और 4 ट्रांस ब्यूट टू इन, इन का मतलब डबल बॉन्ड 2 पर है, और ओएक एसिड कहां पे है, एक 1 पर एक 4 पर, 1, 4 डायओएक एसिड। तो ये एग्जाम्पल इसकी पूछी जा सकती है, मैं बता दूं, क्योंकि फेडलर के बुक में भी है। तो एक मैलिक एसिड है और दूसरा है फ्यूमरिक एसिड, मैलिक एसिड और दूसरा क्या है फ्यूमरिक एसिड, एक सिज है दूसरा क्या है ट्रांस है। अच्छा, उसके बाद है 2-pentene, 1-pentene नहीं शो करेगा, याद कर लो, 1 पे डबल बॉन्ड है तो लाजिम बात है 1 का, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उस पर 2 हाइड्रोजन लगेंगी, दोनों एटम क्या होंगे सेम हो जाएंगे, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ये नोट कर दो बात, ठीक है। तो 2-pentene शो करेगा ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, अच्छा पहली कंडीशन देखो, पहली कंडीशन ये है
कि डबल बॉन्ड कार्बन जिन पे लगा हुआ है, जिन पे कार्बन डबल बॉन्ड लगा हुआ है उन पे एटम जो है वो क्या है, आइडेंटिकल है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। यहां पे ईथा लगा हुआ है, यहां पे हाइड्रोजन लगी हुई है, मतलब इधर इथाइल और इधर क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन, तो डिफरेंट। और यहां पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, यहां पे हाइड्रोजन, तो डिफरेंट हो गया। और ये कौन सी फॉर्म होगी, यहां पे देखो हाइड्रोजन सेम साइड पर है, हाइड्रोजन की सेम साइड क्या है, हाइड्रोजन की साइड तो सेम है ना, और वहां पे अल्काइल ग्रुप की साइड क्या है, सेम ही है, तो इसका मतलब है ये कौन सी फॉर्म होगी, सिस टू पेंटीन। ये सिस टू पेंटीन है। अब आते हैं ट्रांस पे, ट्रांस पे क्या होगा, अपोज्ड, देखो ट्रांस में क्या होता है, अपोज होता है, ठीक है, देखो ट्रांस में क्या होगा, अपोज होगा, हाइड्रोजन अपोज साइड पर है, जो अल्काइल ग्रुप है उसकी भी साइड अपोज है। अच्छा तो ये होगा ट्रांस, वो सीज हो गया, ये ट्रांस हो गया। इस तरह थ्री हेक्सीन, जो थ्री हेक्सीन है, थ्री हेक्सीन, इसको देखें आप लोग, ये है थ्री हेक्सीन है या नहीं है, पहले देखो, एक दो तीन चार पांच छह, सही है, तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है भाई, थर्ड नंबर पे डबल बॉन्ड है, देखो तो ये थ्री हेक्सीन है। अगर क्वेश्चन आ जाता है ये थ्री हेक्सीन की कौन सी फॉर्म है, सिज वाली है, तो ये इसको पढ़ेंगे सिज थ्री हेक्सीन। अच्छा दूसरा होगा ट्रांस, ये ट्रांसफॉर्म है इसकी, अपोज्ड ट्रांस, एक्सीन, ये सिज और ये क्या हो गया, ट्रांस है। इसमें जो मोर स्टेबल है वो ट्रांस होती है, मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा, अच्छा कभी कभी ऐसा होता है कि जो कार्बन का एटम को लगते हैं ना वो चारों एटम डिफरेंट होते हैं, क्या होते हैं, चारों एटम क्या होते हैं, डिफरेंट लगे होते हैं, और फिर उनमें सिज और ट्रांस का पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखो ये है, ब्रोमीन, यहां पे क्लोरीन, यहां पे आयोडीन, यहां पे फ्लोरीन, क्या ये आइसोमर है, वो ये अपना ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म शो कर रहा है या नहीं कर रहा, करेगा बिल्कुल, ये ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म शो करेगा, क्योंकि कंडीशन क्या थी, एटम डिफरेंट होने चाहिए ना, डिफरेंट है, इस पे भी डिफरेंट एटम है, मगर अब सिज और ट्रांस को कैसे पहचाने, बहुत आसान तरीका है इसका, बहुत ईजी है। अब इस कार्बन पे जो एटम लगे हुए हैं उनको एटमिक मास की बुनियाद पर देखो, एटमिक मास किसका ज्यादा है, एटमिक भाई, इस कार्बन पे जो दो एटम है ना, इसका इसमें एटमिक मास या एटमिक नंबर ज्यादा किसका है,
किसका ज्यादा है? ब्रोमीन का ज्यादा है तो ब्रोमीन को नंबर दे दें 1। इसका नंबर दे दें 2। एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर। अब इसमें आयोडीन और फ्लोरीन, मास ज्यादा किसका होगा या एटॉमिक नंबर ज्यादा किसका होगा? ठीक है, तो इसका आयोडीन का ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा 2। तो अब देखो 1 1 की सेम साइड पर है, 1 की साइड देखो 1 1 के साथ और 2 2 के साथ। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ई और जेड, मतलब सिज जो होता है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं जेड और ट्रांस के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? ई इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या होगा? जेड होगा, या हम कह दें सिज फॉर्म में। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? जेड इस्तेमाल करते हैं, मतलब सिज फॉर्म हो गई। क्योंकि देखो दोनों हायर एटमिक नंबर वाले सेम साइड पर और लोअर एटमिक नंबर वाले क्या हैं? सेम साइड पर हैं, तो ये कौन सी फॉर्म हो? सी बेसिस को हम क्या कहते हैं? सिज कहते हैं। और उसके लिए एक टर्म इस्तेमाल करते हैं हम, जेड इस्तेमाल करते हैं उसके लिए। अच्छा, दूसरा देखो ये है, अब इसको देखो, क्या होगा? अब ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो उसको नंबर क्या देंगे? 1 देंगे। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कम है, इसको नंबर क्या देंगे हम? 2 दे देंगे। अच्छा, इस कार्बन में नंबर 1 कौन होगा? जिसका एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास ज्यादा हो। किसका ज्यादा है? आयोडीन का। इसका क्या होगा? अब देखो नंबर 2, नंबर 2 के सामने है, इधर देखो नंबर 2 किसके सामने है? अपोज में है, अपोज में नंबर 1। तो इसके लिए हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं? ई या ट्रांसफॉर्म। अच्छा, अगर इसका नाम देना चाहें तो क्या देंगे आप लोग? तो नाम भी तो हो सकता है ना इसका। ठीक है, अगर नाम देना चाहें तो नाम भी तो दे सकते हैं हम इसको। क्या नाम देंगे? अच्छा, नंबरिंग वैसे कहां से होती है इसके अंदर, पता है आप लोगों को? रूल के मुताबिक बेटा, रूल के मुताबिक जो हेलोजिन्स हैं इनके जो नाम देते हैं वो देते हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से, अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से किसको नाम नंबर 1 देंगे आप लोग? ब्रोमो को। तो नंबर ब्रोमो से नंबरिंग होगी, तो नंबर 1 ये हो जाएगा, नंबर 2 ये हो जाएगा। अच्छा, तो नाम क्या देंगे इसको? 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 2 फ्लोरो, 2 आयोडो, 18। मगर कौन सा फॉर्म है इसका? ई है, या कह दो ट्रांस कह दो इसको। अच्छा, इसका नाम क्या देंगे? वही होगा सिज, इसके आगे लगाना पड़ेगा सिज,
या जेड लगा दो। वन ब्रोमो, वन क्लोरो, टू फ्लोरो, टू आयोडो इथीन। तो ये ई और जेड इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ई और जेड। अच्छा, तो ये हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, और इसके लिए कुछ कंडीशंस आपको नोट करनी होंगी। अब आते हैं साइक्लोअल्केन। साइक्लोअल्केन आपको पता है, साइक्लोअल्केन में सबसे छोटा अल्केन कौन सा है? साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। इसमें यहां पे हाइड्रोजन लगती है, यहां पे हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन लगती है, यहां पे भी हाइड्रोजन। ज्योमेट्रिक लाइसेंस नहीं शो करेगा साइक्लोप्रोपेन। कम से कम दो कार्बन जो है ना, दो कार्बन साइक्लोप्रोपेन के, दो कार्बन, उनमें एटम क्या हो, कार्बन पे जो एटम हो डिफरेंट एटम लगे, क्या लगे हो, डिफरेंट एटम लगे हो। जैसे अभी अल्कीन के हवाले से मैंने पढ़ाया आपको, वो अल्कीन के हवाले से पढ़ाया कि जी। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, याद कर लो, साइक्लो जो अल्केन है ना, उनमें रोटेशन नहीं होती, रोटेशन नहीं हो पाएगी। रोटेशन के लिए रिंग को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। जब रिंग ब्रेक होगी तब उसमें रोटेशन होगी, रोटेट नहीं कर पाएगा वो। जैसे अल्केन के अंदर रिस्ट्रिक्शन रोटेशन है, डबल बॉन्ड पे जैसे पाई बॉन्ड रोटेशन को रोक लेता है, और जो उनकी पोजिशन है वो लॉक हो जाती है एक जगह पे, क्या हो जाती है, वो मूव नहीं कर सकते, ठीक है। और उनकी रोटेशन के लिए पाई बॉन्ड को क्या करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है। तो साइक्लोअल्केन में भी ऐसा ही है, रोटेशन नहीं हो। साइक्लोअल्केन मैं बता दूं आपको, देखो भाई, साइक्लोअल्केन की मैं बात कर रहा हूं, तो साइक्लोअल्केन ऐसा होता है ना, इस पर हाइड्रोजन लगी हो, नीचे भी हाइड्रोजन हो, यहां पर हाइड्रोजन लगी हो, इधर हाइड्रोजन हो, यहां पर हाइड्रोजन लगी हो, इधर हाइड्रोजन हो, तो ये नहीं शो करेगा ज्योमेट्रिक लाइसोमरिज्म। फिर क्या होना चाहिए, इन पर डिफरेंट ग्रुप लगे हों, क्या लगे हों, डिफरेंट ग्रुप लगे हों, ठीक है। चलो डिफरेंट ग्रुप लगा कर देखते हैं। यहां पे मैं मीथा लगा देता हूं, यहां पे मैं मीथा लगा देता हूं, सॉरी, यहां पे हाइड्रोजन लगा देता हूं, यहां पे हाइड्रोजन शो करेगा ये नहीं, पता क्यों, अगर ये दो कार्बन को आप लेते हो ना, इन दो कार्बन को लेते हो, इनको कंसीडर करते हो, तो इस पर क्या लगा हुआ है मिथाइल, इस पर भी क्या लगा हुआ है, तो नहीं शो करेगा। यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो वन टू थ्री, तो वन कामा वन डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, नहीं शो करेगा बेटा ये ज्योमेट्रिक लाइसोमरिज्म, क्योंकि वहां पे आपको स्ट्रक्चर गिवन होगा और पूछा जाएगा ये ज्योमेट्रिक लाइसोमरिज्म शो कर रहा है या नहीं कर रहा, तो आप क्या करेंगे, उसको देखेंगे ना कि शो कर रहा है या नहीं कर रहा, ये नहीं शो करेगा। यहां पे मिथाइल, यहां पे हाइड्रोजन, ये तो कंडीशन सही है इसकी, क्योंकि जिस कार्बन पे, जिस कार्बन को हम कंसीडर करें उस पर एक लगा हुआ है मिथाइल, एक हाइड्रोजन, शो करेगा, नहीं शो करेगा।
क्यों नहीं शो करेगा? इस पर सेम एटम जो है वो एक जैसे हैं, तो इसका मतलब है वन मिथाइल साइक्लोप्रोपेन भी शो नहीं करता है जामेटिक आइसोमेरिज्म। शो करेगा? नहीं शो करेगा, क्योंकि इस कार्बन पे भी दो मिथाइल है, इस कार्बन पे भी दो मिथाइल है, शो नहीं करेगा। इसका नाम ये हो जाएगा 1, 2, 3, 1, 1 2, 2 और टेट्रा मिथाइल, सॉरी। टेट्रामिथाइल साइक्लोप्रोपेन नहीं शो करेगा, ये शो नहीं करेगा। चले शो कौन करता है फिर, उस पे आते हैं हम। यहां पे मिथाइल, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे मिथाइल, यहां पे हाइड्रोजन, अब ये शो करेगा कैसे? ये कार्बन है ना और ये अलग कार्बन, इस पर जो मिथाइल एटम लगे हैं वो डिफरेंट है। कौन से डिफरेंट है? मिथाइल और हाइड्रोजन। यहां पे भी क्या है? मिथाइल और हाइड्रोजन, और दोनों मिथाइल की सेम साइड है, दोनों मिथाइल की क्या है? सेम साइड है, हाइड्रोजन की क्या है? तो ये वाली फॉर्म क्या कहलाएगी? सिज कहलाएगी। तो यह होगा सिज 1, 2 डाई मिथाइल, क्योंकि ये 1 है और ये क्या है? 2 है, ये 3 है, तो 1, 2 डाई मिथाइल साइक्लो प्रोपेन शो कर रहा है। अच्छा, अब इसकी ट्रांसफॉर्म ये है, ये इसकी कौन सी फॉर्म है? ट्रांस है ये। देखो मिथाइल के अपोज में मिथाइल है, हाइड्रोजन के अपोज में हाइड्रोजन है, तो ये इसकी क्या है? ट्रांस वाली फॉर्म है, ट्रांस 1, 2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन ये शो करेगा जामेटिकल आइसोमेरिज्म। और ये फेडर की बुक में है और क्वेश्चन एंट्री टेस्ट आया भी है शायद 2020 के पेपर के अंदर, ये दोनों एग्जांपल। अच्छा, अब हम आते हैं इसको देखें, आप मुझे बताएं कि ये शो करेगा या नहीं करेगा, इसको देखकर बता दें मुझे। शो करेगा, आपको ऐसा स्ट्रक्चर गिवन होगा, देखो आपको ऐसा स्ट्रक्चर गिवन होगा, आपसे पूछा जाएगा ये शो करेगा या नहीं करेगा। नहीं शो करेगा, क्यों नहीं करता? क्योंकि भाई जिन ये कार्बन है इस पर दोनों टर्म क्या है? सेम है, इस पर भी दोनों टर्म सेम है, ये शो नहीं करेगा। चलो नाम इसका क्या होगा? देखो यहां से नंबरिंग कर दो, 1, 2, 3, इसका नाम होगा 1, 1 डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन, ये तो बिल्कुल ही शो नहीं करेगा। ये शो करेगा? ये भी नहीं शो करेगा। क्यों नहीं शो करता? क्योंकि दोनों टर्म
सेम लगे हुए। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए ये कंडीशन है कि एटम क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, तो ये शो नहीं करेगा। तो ये हो गया वन क्लोरो साइक्लोप्रोपेन। अच्छा, वन कामा टू डाई क्लोरो साइक्लोप्रोपेन शो करेगा? देखो, वन कामा टू डाई क्लोरो साइक्लोप्रोपेन शो करेगा या नहीं करेगा, ये बताओ। करेगा शो? जी बिल्कुल करेगा। एक क्लोरीन एक वन पर है, दूसरा टू पर है, शो करेगा। अच्छा चलें, सही है, ये सही है बिल्कुल। क्योंकि भाई इधर लिखूं या इधर लिखूं कोई बात नहीं है, मैं लाजमी नहीं कि मैं इस कार्बन पर लिख दूं। साइक्लोप्रोपेन में जो कम से कम दो कार्बन है ना, उन पर एटम क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तीसरे पर भले सेम होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरे पर अगर मैं यहां इस कार्बन पर आपको बताया दोनों हाइड्रोजन लगी हुई है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम दो कार्बन जो हो, क्या हो, कम से कम दो कार्बन जो है ना, उन पे एटम क्या लगे, डिफरेंट हो। इस पे तो हाइड्रोजन सेम लगेंगे ना भाई, तीसरा कार्बन है ना ये, इस पर आइडेंटिकल एटम हो सकते हैं, मगर इन पर देखो क्या है, डिफरेंट है ना। तो हम किसको देखेंगे, इसके हवाले से नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे। तो ये क्या है, कौन सी फॉर्म है ये बेटा? सिज वाली फॉर्म है, सिज वन कामा टू डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन हो गया ये। अब आते हैं ट्रांस वाली फॉर्म इसकी, इसको न देखें आप लोग, इसको देख लो। तो है कौन सी फॉर्म है, ट्रांस है, वन कामा टू डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये सिज और ट्रांस किसके अंदर, साइक्लो अल्केन के अंदर, साइक्लो अल्केन के अंदर। अच्छा, साइक्लो ब्यूटेन, सही है, सही है, कौन सी फॉर्म है ये, सिस फॉर्म है। और बाकी ये जो रिमेनिंग कार्बन होंगे, इनपे एटम क्या होंगे, दोनों एक जैसे होंगे। इस कार्बन पे दोनों क्या होंगे, हाइड्रोजन लगी होंगी, इस पे भी दोनों हाइड्रोजन, इसको आपने आपको नहीं देखना। कम से कम जो साइक्लो अल्केन के अंदर दो कार्बन ऐसे हो जो एडजेसेंट हो और उस पर क्या हो, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप लगे हों, तो इसका नाम हो जाएगा, ये होगा सिज वन कामा टू डायमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। ब्यूटेन क्योंकि चार कार्बन की रिंग है। अच्छा, अब देखो ये क्या है,
ये इसकी ट्रांस वाली फॉर्म है, ये क्या है इसकी ट्रांस वाली है, ये वन हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया, ये फोर हो गया, तो ये होगा ट्रांस वन कामा टू डायमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, समझे। अच्छा तो आज हमने एक तो पढ़ लिया ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म अल्कीन के अंदर, अच्छा दूसरा साइक्लो अल्कीन के अंदर। हमारी बुक में सिर्फ अल्कीन है, साइक्लो अल्कीन नहीं है हमारी बुक में, सिलेबस में नहीं है, ये समझे एक्स्ट्रा हो जाता है को थोड़ा बस कंसेप्ट इसका क्लियर कर रखें अब अपने मतलब ठीक है। और बाकी अल्कीन का तो हमारे पास है, और अल्कीन के लिए हमने ये पढ़ा था कि भाई जो अल्कीन्स हैं उनमें डबल बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड की वजह से रोटेशन रुक जाती है, रिस्ट्रिक्शन रोटेशन। जैसे सपोज करते हैं दो बुक्स हों, दो किताबें हों, उनमें एक अगर हम एक कील लगा दें बीच में, एक कील, तो एक बुक जो थी दूसरे को रोटेट करती रहेगी, घूमती रहेगी ना। भाई दो बुक्स है ना, दो बुक्स को ऐसा कर दें और बीच में कील लगा दें एक, तो बुक एक जो बुक होगी दूसरी को रोटेट करती रहेगी। जब दो ऐसे नेल्स लगा देंगे, कील लगाएंगे दो ऐसे, तो फिर वो बुक रोटेट एक दूसरे को ऊपर रोटेट नहीं कर पाएगी। इसका मतलब डबल बॉन्ड जो होता है वो रोटेशन को रोक लेता है, ठीक है। तो जिन मॉलिक्यूल्स में डबल बॉन्ड्स हैं, जिन मॉलिक्यूल्स में पाई बॉन्ड है, उनमें रोटेशन नहीं होगी। अच्छा मगर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कौन शो करेगा, उसके लिए कंडीशन आपको मैंने बता दी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म सारे अल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते हैं, ठीक है। तो जिन डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे एटम लगे हों, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे एटम क्या लगे हों, डिफरेंट एटम लगे हों, या डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स लगा, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। एक होगा सिज, दूसरा ट्रांस। सिज में क्या होगा, सेम जो ग्रुप होंगे कार्बन एटम का भी, जो सेम ग्रुप होंगे वो सेम साइड पर होंगे। और ट्रांस में क्या होगा, जो ग्रुप होंगे सेम ग्रुप वो अपोज साइड पर होंगे, उसको हम कहते हैं ट्रांस। जो ट्रांस होता है ज्यादा सिमेट्रिकल होता है, इसके लिए जब उसके क्रिस्टल्स बनते हैं, अगर सपोज करते हैं उसकी हम कूलिंग करते हैं, उसके क्रिस्टल्स बनेंगे तो उनके अंदर जो पैकिंग होगी ज्यादा पैकिंग होगी, मोर क्लोज पैकिंग होगी, जिसकी वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो ज्यादा होता है। किससे, सिज से। सिज का, सिज क्योंकि ज्यादा पोलर होते हैं, सिज ज्यादा पोलर होते हैं, सिज की पोलरिटी ज्यादा है। डायपोल मूवमेंट भी सिज की क्या होती है, ज्यादा होती है। देखो डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट, ट्रांस नॉन पोलर होता है, याद कर लो। ट्रांस की डायपोल मूवमेंट जीरो होगी, जो सिज होगा वो स्लाइटली थोड़ा कुछ पोलर होगा, और पोलर की वजह से उसमें पोलरिटी भी होगी, डायपोल मूवमेंट भी शो करेगा वो, जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो सिज का ज्यादा होता है, और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो ट्रांस का ज्यादा है। स्टेबिलिटी जो होती है वो ट्रांस की ज्यादा होती है सिज से। बस ये थोड़ी कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद कर लेंगे। सिज को ट्रांस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ट्रांस को सिज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इनकी कन्वर्जन हो सकती है, सिज की ट्रांस में, ट्रांस की सिज में। कैसे, एक ट्रांस आइसोमर है, उसको आप ऐसा करते मेल्ट कर दें, और अपना जो है उसके बांड को ब्रेक कर दें, जो बांड है ना उसको क्या कर दें, ब्रेक करने के बाद पाई बांड टूट जाएगा, पाई बांड टूटने के बाद तो उसमें रोटेशन हो जाएगी, उसमें क्या होगी, रोटेशन होगी, तो ट्रांस किस में तब्दील हो जाएगा, सिज में। जब दोबारा बांड इनमें डेवलप हो जाएगा, वापस बांड बन जाएगा, तो काफी जो ट्रांस आइसोमर होगा वो सिज में तब्दील हो चुका होगा। या सिज आइसोमर है, उसको इसके बांड को ब्रेक कर दें, हीट देकर बांड को क्या कर दें, ब्रेक करने के बाद उनमें रोटेशन, क्योंकि रोटेशन वैसे तो नहीं होगी, जब पाई बांड मौजूद है तो रोटेशन नहीं होगी, उनकी पोजीशंस क्या होंगी, लॉक होंगी। मगर जब वो पाई बांड को हम बीच में जो डबल बांड है उसको हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं ना, ब्रेक करने के बाद उनमें रोटेशन हो जाती है, सिज ट्रांस में तब्दील हो जाता है, ट्रांस किस में तब्दील हो जाता है, सिज में। वापस जब बांड अपनी पोजिशन पे आ जाता है, वापस बांड लॉक हो जाता है, तो इसका मतलब है तो उनमें काफी
कन्वर्जन हो चुकी होती है सिज की ट्रांस में या ट्रांस की सिज में, तो ऐसे सिज और ट्रांस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, मगर ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है क्योंकि ये फेडल की बुक में है उनकी कन्वर्जन वगैरह, हमारी बुक में नहीं है। अगर हम पंजाब की बुक को देखें तो पंजाब की बुक में भी सिर्फ ज्योमेट्रिक क्लासिकलिज्म है, वो भी अल्कीन के अंदर, साइक्लो अल्कीन के अंदर वो भी नहीं है, ठीक है। और पंजाब की बुक में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी नहीं है, सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म फेडर की बुक में है और हमारी जो नई किताब है उसके अंदर भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। तो अब टाइम मेरे पास बचा है 5 मिनट, और 5 मिनट के अंदर कुछ हम रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि कुछ हम रिवाइज कर लेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को, क्योंकि जो हमने पहले पढ़ा था। तो अगर आपके पास बुक है, बुक में कोई एक्सरसाइज की एग्जांपल हो तो मुझे बता दो। अमर मेरे पास 5 मिनट है, 5 मिनट में मैं कुछ रिवाइज करवा लेता हूं। टाइम ठीक अन्य 5 मिनट आए ना, अच्छा ठीक है। तो टाइम कंप्लीट हो गया है।